नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर सोते समय देखे ये पांच सपने तो कभी भूलकर भी किसी को ना बताएं। आपने अपने जीवन में ये तो अनुभव अवश्य किया होगा कि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और उस काम को करने से पहले किसी को बता दिया तो आपका काम बिगड़ जाता है, आपका काम नहीं बनता है, आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है। इसलिए जब भी आप कोई सुबह स्वप्न देखे तो उसके बारे में भूल कर भी किसी को ना बताएं, अन्यथा आपको इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, सोते समय सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह सपने हमारे दिमाग की तरंगों से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ सपने हमारे मन और जीवन को बहुत प्रभावित कर देते हैं। सोकर उठने के बाद हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक अर्थ होता है, जो हमारे आने वाले भविष्य के विषय में संकेत भी देता है। जो सपने जितना अधिक इंटैक्ट होते हैं, उनका फल भी उतना अधिक मिलता है। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई अजीब सा सपना देखते हैं तो सुबह उठकर उसे अपने परिवार जनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सपनों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से उसका प्रभाव और फल कम हो जाता है? इसलिए आज मैं आपको इन पांच सपनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप देखे तो किसी को भी ना बताएं, ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। नंबर एक, अपनी मौत का सपना देखना। ये सपना देखकर आप शायद डर जाएं, लेकिन आपको बता दे कि ये बहुत ही शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि अब आपकी कोई परेशानी खत्म होने वाली है और आपका अच्छा दिन शुरू होने वाला है। नंबर दो, हरे भरे बगीचे या फल देखना। यह सब देखना भी बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब आपके जीवन में खुशियां और आर्थिक समृद्धि आने वाली है। नंबर तीन, मछली देखना। अगर आपको सपने में मछली तैरती हुई दिखे या फिर मछली खाते हुए या पकाते हुए देखे तो इसका मतलब होता है कि आपको जल्दी ही धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर चार, सांप देखना। दोस्तों, अक्सर हम सपने में सांप को भी देखते हैं। सपने में सांप को देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन सपने में सांप देखना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सपने में सांप को अपना पीछा करते हुए या फन फैलाए बैठे हुए या फिर खुद को काटते हुए देखे या सांपों के बीच अपने आप को घिरा हुआ देखे तो समझ जाएं कि आपको जल्दी मान सम्मान, धन और तरक्की मिलने वाली है। दोस्तों, जलता हुआ दीपक या ईश्वर के दर्शन होना, यह सपना बहुत शुभ होता है। सपने में जलता हुआ दीपक देखने का अर्थ है कि आपको अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपको अपने इष्ट देवता सपने में दिखे तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन बहुत ही सफलता और खुशियों से भरा होने वाला है। दोस्तों, ये पांच ऐसे सपने हैं जिसे देखने के बाद कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सपनों के बारे में किसी को भी बता दिया तो इस सपने से मिलने वाले आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।